भारतीय गौरव दिवस भी भाजपा सरकार ने घोषित किया। देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापति के नाम पर किया गया। पातालपानी स्टेशन आप जननायक टंकिया भील के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार बैठा रहा उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की जनसंवेदना, सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया, सभी का ध्यान रखा। भाजपा सरकार है जिसने महू सही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस भी भाजपा सरकार ने घोषित किया। देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापति के नाम पर किया गया। पातालपानी स्टेशन अब जननायक टंकिया भील के नाम से जाना जाता है। और आज यहां गौंड समाज की प्रेरणा रानी दुर्गावती जी के नाम पर इतने भव्य आधुनिक स्मारक का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में गौंड संस्कृति, गौंड इतिहास और कला का प्रदर्शन भी होगा। हमारा प्रयास यही है कि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध गौंड परंपरा को जान सके। मैं जब दुनिया के नेताओं से मिलता हूं तो उन्हें गौंड पेंटिंग भी उपहार में देता हूं। जब वे इस शानदार गौंड कला की प्रशंसा करते हैं तो मेरा माथा भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी, देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया, सभी का ध्यान रखा। ये भाजपा सरकार है जिसने महू सहित दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ बनाया है। मुझे कुछ सप्ताह पहले सागर में संत रविदास जी की स्मारक स्थली के भूमि पूजन का भी अवसर मिला है। ये सामाजिक समरसता और विरासत के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाले दलों ने आदिवासी समाज के संसाधनों को लूटा। 2014 से पहले सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी दिया जाता था, बाकी वन उपजों को औने पौने दाम पर कुछ लोग खरीदते थे और आदिवासियों को कुछ नहीं मिलता था। हमने इसको बदला और आज करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाया जा चुका है। साथियों, अतीत में हमारे आदिवासी किसानों, हमारे छोटे किसानों की उपज कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाज को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आपने देखा है कि दिल्ली में G20 के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए थे, एक से बढ़कर एक बड़े नेता आए थे, उनको भी हमने आपके कोदो कुटकी से बने पकवान खिलाए थे। भाजपा सरकार आपके कोदो कुटकी को भी श्री अन्न के रूप में देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी किसानों को, छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता वंचितों को वरीयता है। पाइप से पीने का साफ पानी मिले एक गरीब के स्वास्थ्य और महिलाओं की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है। आज भी यहां करीब 1600 गांवों तक पानी पहुंचाने का इंतजाम हुआ।
महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा देश की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन इसे भी पहले लगातार नजरअंदाज कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को उनका हक देने का काम भी भाजपा ने किया। साथियों, गांव के सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे विश्वकर्मा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनको सशक्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना भाजपा सरकार बनने के बाद हमें उसको लाना पड़ा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है। अपने भ्रष्टाचार और अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग भांति भांति के प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है कि एमपी विकास में टॉप पर आएगा। मुझे विश्वास है कि मोदी के भाजपा सरकार के संकल्प को महाकौशल मजबूत करेगा, मध्य प्रदेश मजबूत करेगा। एक बार पुनः वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, और आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मैं कहूंगा, रानी दुर्गावती आप कहिए अमर रहे, अमर रहे रानी दुर्गावती। अरे आवाज पूरे मध्य प्रदेश।